हेलो दोस्तों, तो आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप बुक पब्लिश करके पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कुछ स्टेप जो हमें आज की इस वीडियो में फॉलो करने हैं, ये देखिए। उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर वन पर, जनरेट स्क्रिप्ट। तो स्टेप नंबर वन पर हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पर और यहाँ पर लिख देते हैं राइट स्क्रिप्ट ऑन किड्स स्टोरी बुक। लाइक नहीं, स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, राइट अ स्टोरी फॉर किड्स फेरी टेल की स्टोरी लिखी है। बट ये लाइक अच्छी नहीं लग रही फेरी टेल, आई डोंट नो व्हाई, पर ये अच्छी नहीं लग रही। तो हम कुछ और लिखते हैं, राइट लव स्टोरी, राइट किड्स लव स्टोरी, राइट किड्स लव स्टोरी बुक, लव स्टोरी बुक और चैप्टर्स। तो पहले चैप्टर्स लिख लेते हैं, ये देखें। तो चैट जीपीटी ने चैप्टर्स लिख लिए पर इनका एक एक ही पैराग्राफ लिखा है, मुझे फुल चाहिए और भी डिटेल में। तो चलिए देखते हैं, हाँ अभी लिख देते हैं यहाँ पर फुल लिखती हूँ, राइट इट इन मोर डिटेल डिटेल्ड। अब देखें, अब हर चैप्टर के दो दो पैराग्राफ बन रहे हैं, दो और तीन पैराग्राफ आई थिंक, और ये ज़्यादा डिटेल में भी है तो ये अच्छा है। ये देखें तो ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। ओके, उसके बाद तो ये जैसे ही बन जाएगा, ये 9th चैप्टर है और ये 10 है। उसके बाद ये जैसे ही हो जाएगा हम इसे कॉपी करके नोटपैड पर पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर टू पर, राइट प्रॉम्प्ट। तो स्टेप नंबर टू पर हम प्रॉम्प्ट लिख देते हैं इसी स्टोरी की इमेजेस बनाने के लिए। तो हम लिखते हैं राइट प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस फॉर द अबव स्टोरी। तो ये हमने लिख दिया 20 प्रॉम्प्ट्स। तो ये देखें चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लिख देगा। ओके, चैट जीपीटी ने 20 प्रॉम्प्ट्स लिख दिए हैं, ये देखें। तो इसके बाद हम लिख देते हैं ये 20 प्रॉम्प्ट्स का बोलने के बाद, ये देखें हम इसे कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद अब हम लिख देते हैं टाइटल भी, राइट दिस स्टोरी बुक टाइटल। स्टोरी बुक का टाइटल लिख दिया है, अब लिख देते हैं टाइटल। कवर के लिए भी पिक चाहिए होगी तो हम लिख देते हैं राइट, ये राइट द प्रॉम्प्ट्स टू फॉर जनरेटिंग कवर इमेज। तो ये देखें कवर इमेज के लिए भी ये प्रॉम्प्ट लिख दिया है और आई थिंक मेरा सही लग रहा है। तो इसे कॉपी करके मैं नोटपैड में पेस्ट कर दूंगी। स्टेप नंबर थ्री, जनरेट इमेजेस। तो स्टेप नंबर थ्री पर हम आ जाते हैं लियोनार्डो डॉट ए आई पर, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, यस आई एम वाइट लाइफ स्टेट पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर रीजनरेट हो जाते हैं। तो मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं ये AI इमेज लिखती है। प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमने जो प्रॉम्प्ट पेस्ट किया था वो ये रहा। तो इससे पहले मैं कॉपी कर लूँगी, ये देखें इसे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो इसके जनरेट पर क्लिक कर दिए तो ये जनरेट हो रही है। तो इसके बाद मैं इसके आगे ये भी लिख दूँगी इन कार्टून स्टाइल, ताकि कार्टून स्टाइल हो, बच्चों को लाइक समझने में ज़्यादा आसानी हो। और 4 इमेज एक साथ जनरेट हो रही हैं, हमें एक ही चाहिए बिकॉज हम 4 ये ज़्यादा करेंगे तो उसमें हमारे लाइक वो जो पॉइंट्स है वो ज़ाया हो जाएंगे। हमें 185 पॉइंट्स मिलते हैं, मेरे 4 जनरेट होने, 4 इमेजेस जनरेट होने के बाद 130 रह गए हैं। लेकिन ये देखिए कितने खूबसूरत इमेजेस जनरेट हुई हैं, कवर के लिए तो बिल्कुल ही लाइक अमेजिंग है। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रही है। ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, इसे भी करने में से। ये पर वाली भी सही पर इसका थोड़ा चॉइस ख़राब कर दिया लियोनार्डो ने,
सही से नहीं मैं लाइक बनाया उसका, फिर से इसलिए वो नहीं की। तो ये मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट है हमारा बुक के लिए इमेजेस जनरेट करने का। ऐसे कट कर देती हूँ, ये ऊपर वाला भी कट कर दी कर दूँगी, बाद में कर दूँगी। तो मैं सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ प्रॉम्प्ट। और शीट इन कार्टून स्टाइल तो मैंने लिखा ही नहीं, और ये लाइक इमेज साइज भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैं सेटिंग में जाके फिर से चेंज कर लूँगी इमेज साइज, मैंने ये कर देना है। और मुझे करना है इन कार्टून स्टाइल, मुझे इसके आगे लिखना होगा। ये तो लाइक ये जो सही नहीं लग, ये सही है, मैं देखें कुछ टाइम लेगा जनरेट होने में। तो मुझे इन कार्टून स्टाइल लिख देना चाहिए था, तो मैं अभी लिख लेती हूँ इन कार्टून स्टाइल, तो जनरेट कर देती हूँ। ये देखें ये जनरेट होने में थोड़ा टाइम लेंगी, बस थोड़ा सा ही टाइम, देखें बस जनरेट होने वाली है, ये जनरेट हो गई। ये देखें कितने खूबसूरत लग रही है, वाओ। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं इस पर क्लिक करके, ये डाउनलोड हो गई है। उसके बाद हम चले जाते हैं, इसे पहले कट कर देते हैं ताकि ये जो जगह है ये ख़त्म हो जाए, हमें पता चले कि कौन सी हमने की हुई है कौन सी नहीं की हुई है। तो हम इसे कॉपी करेंगे और इसे कट कर दूंगी, तो फिर इस पर पेस्ट कर दूंगी। ये सेकेंड टाइम मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी इस मेथड को। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और कार्टून स्टाइल ज़रूर लिखना है आपको हर इमेज के साथ। तो ये देखें ये थोड़ा सा टाइम लेंगे जनरेट होने में, हो गई है जनरेट। और ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। तो इसे सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद मैं लाइक आपको ऐसे ही मेथड रिपीट करना होगा हर इमेज के साथ। देखिए मैं इसको लाइक हर इमेज के साथ कर लूँगी रिपीट। ये जनरेट हो गया, इसे सेव कर लूँगी, अब इसे कॉपी कर लूँगी और इसे भी पेस्ट कर दूँगी। ओके, बस वही मेथड आपको हर प्रॉम्प्ट के साथ रिपीट करते जाना है जो मैंने अभी पीछे समझाया। अगर आपको समझ नहीं आई कि कैसे जनरेट करना है, आप फिर से पीछे करके देख सकते हैं कि कैसे करना है। तो मैंने लाइक मेथड को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि लाइक बहुत टाइम ले रहा था ये, और मैं नहीं चाहती कि आपका ज़्यादा टाइम लाइक हो। जस्ट मैंने दो मेथड समझा दिए थे, तो आपको वही फॉलो करने हैं, रिपीट करना है वही स्टाइल। तो ये हमारी इमेज हमने डाउनलोड कर दी, अब इसे कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे इन कार्टून स्टाइल, ये देखें। और इसे भी हमें सेव कर देना है, उसके बाद ये भी कॉपी करके ये भी पेस्ट कर देंगे, इसे भी हमने सेव कर देना है। तो मुझे लगा था कि लाइक यहाँ पर वो ओके और फिर हमने सेव करने के बाद स्टेप नंबर 4 क्रिएट बुक, हम स्टेप नंबर 4 पर चले जाते हैं। वो सेव करने के बाद हम कैनवा पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमें सर्च बार में सर्च करना है चिल्ड्रंस बुक, बुक स्टाइल नहीं करना था, चिल्ड्रन किड्स बुक करना था, किड्स बुक। तो ये किड्स बुक की टेम्पलेट्स आ गई हैं, ये देखें ये किड्स बुक की टेम्पलेट्स आ गई हैं। और ये जो जितना भी इसके ऊपर है हमें ये सारा रिमूव कर देना है, डिलीट पर क्लिक करें, ये डिलीट ओके, ये डिलीट कर देना है हमें ओके। अब सब कुछ डिलीट हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, ये बादल बचा है, तो हमें वो बादल भी डिलीट कर देना होगा। हमने वो बादल भी डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें पिक्चर ऐड करनी होगी कवर की जो थी, ये देखिए ये पिक्चर है, और भी पिक्चर्स हैं वो मैं ढूंढ रही थी पर नहीं मिली, क्योंकि वो फोटो सेक्शन में मिलती हैं, तो इसे मैंने ऐड कर लिया फ़िलहाल के लिए। इसे ऐड करने के बाद इसे एडजस्ट कर दूँगी ताकि वो पेज पर सही तरह से एडजस्ट हो जाए, कवर की तरह ही लगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था, वाओ।
जब ही मुझे लाइक पसंद आई थी कवर फोटो में तो यही सही थी, तो अब मैंने इसे डाउनलोड कर देना है ये एडजस्ट करने के बाद। इसे जेपीईजी में भी कर सकते हैं आप और पीएनजी में भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो डाउनलोड हो गई है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट भी बना देते हैं और भी लाइक इसके आगे बहुत सारे पेजेस बना देते हैं। ये देखें हमने बहुत सारे पेजेस बना दिए हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट पेजेस पर। और ये जो इमेजेस हैं ये मैंने यहाँ पर ऐड कर ली थी, आप इनमें से आप भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये लाइन बाय लाइन ऐड कर दी थी और सबमिट कर ली है, ये देखें। उसके बाद इस पर भी मैंने ऐड कर लेनी है, ये इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही ये एडजस्ट हो जाए तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं इसे यू करके वर्क करूँगी। ये वर्क कर रहा है अभी, तो इसको यहाँ पर कर देना है और नेक्स्ट पर चले जाना है। और इसे मैं जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लूँगी इन सब पिक्चर्स को। ये देखें इसी तरह ही हर लाइक हर पेज के लिए आपको स्टेप रिपीट करना है। ये देखें अब इस पर कर दूँगी मैं, ये देखें अब नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी, ये वाला क्लिक कर देते हैं। ये जो लाइन बाय लाइन थी वही मैंने ऐड की हैं पिक्चर्स। उसके बाद हम ये क्लिक करते हैं, ये ऐड करते हैं। और मुझे ना लाइक आप पिक्चर्स के ऊपर भी टेक्स्ट लगा सकते हो, बट मुझे ऐसा टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता पिक्चर्स के ऊपर, क्योंकि मैं बच्चों को चाहती हूँ कि वो पिक्चर्स अलग से समझें, तो इसलिए मैं लाइक पिक्चर्स के अलावा टेक्स्ट लगाऊंगी पेजेस पर। तो ये देखें ये हमारे पेजेस और ये हमारी लास्ट पिक है। ओके ये हमारी लास्ट है। तो जैसे पहले तरीके से मैंने आपको बताया था वैसे ही इनके आगे एक एक पेजेस में लगा दूंगी, लाइक जैसे ऐसे। ये देखें ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो ये सारे मैंने इनके लाइक एक एक पेज लगा दिया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि पिक्चर पर टेक्स्ट लगाएं। आप चाहें तो पिक्चर पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये ऐड कर दिया है, सेंटर में ले लिया। ये चैप्टर नंबर है 1, जो हमने वो लाइक लिखा था ना चैट जीपीटी में, वो मैंने कॉपी करके यहाँ पर नोटपैड में पेस्ट कर दिया था। तब यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, इसे ऐसे थोड़ा बिग कर देते हैं। ये देखें थोड़ा बड़ा, तो थोड़ा सा और थोड़ा इतना सही है आई थिंक। उसके बाद इसे कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर इसे कॉपी कर देना है। मैंने देख लीजिएगा आप, या मैंने इसे कॉपी किया है, फुल को कॉपी कर देना है, बिकॉज लाइक आपको एक एक पैराग्राफ कॉपी करना होगा। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ये देखें ये लाइक पेस्ट होने में थोड़ा मसला कर रहा है, तो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ओके अब मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी, ये देखें इसे थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी मैं यहाँ तक। ओके अब इसे क्या करना है, चैप्टर का नेम भी लिखना है, तो उसके लिए भी थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, ये बीच में चैप्टर का नाम आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या था, द मिस्ट्री न्यू नेबर, द मिस्टीरियस न्यू नेबर। तो इसे कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पर, करके इसके ऊपर चैप्टर का नाम लिख देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ नाम चैप्टर का। तो फिर से हो गया, फिर से इसे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर देना है और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पेस्ट कर देती है। और ये जो फालतू वो कट कर देती हूँ। और ये देखें द मिस्टीरियस न्यू नेबर, तो ये भी सही है, नेम बहुत अच्छा है, लाइक अमेजिंग है। तो इसे भी थोड़ा बड़ा कर दूँगी मैं, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ बिकॉज ऐसे सही नहीं लग रहा। इसे भी एडजस्ट कर लूँगी, कॉपी जैसे यहीं पर वो कर देते हैं। ये देखें ये हो गया है, इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ।
ताकि सही लगे आई थिंक, या बड़ा ही सही है, इसे थोड़ा बड़ा करके एडजस्ट कर दूंगी। ये देखें ये कितना सही लग रहा है। इसके बाद हमने इसे कॉपी कर देना है, इसे पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगी। यहाँ पर मैंने मोर पर करके इसे पेस्ट कर देना है, ये देखें। तो इसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ जो है मैं कॉपी कर लूँगी। ओके, उसके बाद सेकंड चैप्टर है, तो मैं आपको दो चैप्टर ही करना बताऊँगी कैसे आप दो चैप्टर्स कर सकते हैं। आपको यही स्टेप्स रिपीट करने हैं हर चैप्टर के लिए, जितने भी चैप्टर हैं आप उनके लिए ये स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं। तो मैं तो आपको दो ही करके बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारे करने बैठ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको दो करके सिर्फ समझाऊंगी कि कैसे आप कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर ये कॉपी कर दूँगी सेकेंड चैप्टर, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी सेकेंड चैप्टर की हेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं ये टच क्यों नहीं हो रहा है, टच का मसला हो रहा है, तो फिर से पेस्ट कर दूंगी पेस्ट, इसे थोड़ा बड़ा कर देना है। ओके, इसे पेस्ट कर देना है और इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, आई थिंक ये बड़ा है और अच्छा लग रहा है ऐसे ही, लाइक आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसे भी हमने एडजस्ट कर दिया है, उसके बाद इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगी मैं यहाँ पर, वो लाइक चैप्टर्स का पैराग्राफ कॉपी कर दूँगी और वहाँ पर ही पेस्ट कर दूँगी, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ये देखें ये हो गया चैप्टर का पैराग्राफ, इसे मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है। ये देखें कितना सही लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर ये पैराग्राफ पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कॉपी कर लेती हूँ, यहीं पर पेस्ट हो गया, सॉरी इसे कट कर देती हूँ और यहाँ पर जाकर पेस्ट करूँगी। ओके, पेस्ट हो गया, तो ये सेकंड क्या करती हूँ पैराग्राफ कॉपी कर लेती हूँ। ये कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए आपको सेम ही लाइक स्टेप्स रिपीट करने हैं हर चैप्टर के लिए। किसी के थ्री हैं तो थ्री पैराग्राफ पेस्ट कीजिएगा, किसी के टू हैं तो टू, और आप लाइक ट्वेंटी प्रॉम्प्ट्स की जगह लिख सकते हैं एवरी पैराग्राफ प्रॉम्प्ट, ताकि वो आपको हर पैराग्राफ की इमेज बना के दें। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी। ओके, और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, आई थिंक ये सही है और एडजस्ट हो गया है। तो आपको ऐसे ही हर इमेज के लिए लाइक रिपीट कर देना है, ये देखें, तो ये एंड तक आपको रिपीट कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं लाइक ये देखें, ये करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कैसे आप बुक पब्लिश कर सकते हैं बुक बनाने के बाद। तो ये स्टेप नंबर फाइव पब्लिशिंग, तो आपको लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी पब्लिश करना, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ये ना कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप बुक पब्लिश कर सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मज़ीद डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए।